सोना रुको, सोना कहाँ जा रही, कैसे जाओगी तुम? परेशान मत हो, टैक्सी में चली जाऊंगी। तुम्हें इस वक्त अकेला नहीं छोड़ सकता, चलो आओ मेरे साथ। सोना, अच्छा ठीक है। मैं तुमसे एक बात पूछूंगा, तुम्हें लगता है हम एक दूसरे को समझते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरी वजह से तुम्हें अवार्ड खोना पड़ा, मगर वो अगले साल भी मिल सकता है। सोना तुम ऐसी क्यों हो, मतलब आखिर में मैं हमेशा बुरा ही क्यों महसूस करता हूँ? तुम्हें ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं लगती क्या हूँ तुम्हारी? अगर अवार्ड मुझे मिल जाता तो मैं और माहिरा मैगजीन के कवर पर आते, मैं और मेरी बेटी हाथों में हाथ डाले हंसते मुस्कुराते हुए, वो हमें देखती, जरूर देखती। वो देखती कि हमने एक नई जिंदगी शुरू की है, हम उन सब बर्बादियों के बावजूद कामयाब हुए जो वो पीछे छोड़ गई थी। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यह बहुत अहमकाना बात है, लेकिन जो भी है यही सच है। मैं खुद को साबित करने की तगोदा कर रहा हूं, लोगों को नहीं। ये सब सोचते हुए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है सोना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बताऊंगा, किस मुंह से लोगों का सामना करूंगा। हमेशा ही पीछे रह जाने वाले को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तुमने वजह पूछी थी मुझसे, पहली बार किसी को बताई है? आइलिन एक खूबसूरत औरत है। तुम्हें कैसे पता है? उस पेंटिंग को लेकर तुम बहुत ज्यादा गुस्से में थे, साफ नजर आ रहा था कि वो आइलिन है। वो एक पुरानी पेंटिंग है, मैं बरसों से उस चेहरे को बदलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन चेहरे के तासुरात में नहीं बदल सकता। एक दिन तुम बदल लोगे, अब मैं घर जाना चाहती हूं। बुरजू, तुम यहां क्या कर रही हो? थोड़ा काम बाकी रह गया था, वही करने आई थी मैं यहां। इतने अंधेरे में? हाँ, लाइट मैंने बस अभी बंद की थी आंखों को थोड़ा सुकून देने के लिए, अभी चली जाऊंगी। अगर आप मुझे डांटना चाहते हैं तो डांट सकते हैं, तैयार हूं इसके लिए। मैं गिरती हुई दीवार को एक धक्का और सही। ये लो आइसक्रीम। वैसे मैं लाया तो ये अपने लिए था, लेकिन मुझे लग रहा है इस आइसक्रीम की ज्यादा जरूरत तुम्हें है। क्या? हाँ। क्या तुम्हारा दोस्त नहीं आया? तुम तो उससे मिलने जा रही थी ना। आपने ही मेरा मजाक उड़ाया था ना कि दूर के रिश्ते कामयाब नहीं होते, और आपने ये भी कहा था कि उसे मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे सच कहूं तो आपने जो कुछ भी कहा था बिल्कुल ठीक कहा था, आपको दाद देनी चाहिए, उसके बारे में बिल्कुल सही राय दी थी आपने। कोई जवाब नहीं देना। चले ठीक है, अपना आईडी कार्ड दें और जाएं। ये लीजिए, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। क्या तमाम मर्द एक जैसे होते हैं जो उन्हें एक दूसरे की हरकतों का पता होता है? क्या आदमियों का वफा से कोई ताल्लुक नहीं होता? क्या है ये, हर लड़की पे दिल आ जाता है। आप यहाँ बैठ के मेरी कहानी सुन रहे हैं और दिल में कह रहे होंगे कि उसने बहुत अच्छा किया, कि अगर मैं भी उसकी जगह होता तो यही करता। मुझे क्या पता था कि वो धोखेबाज निकलेगा। मैं इतने सालों से उसका इंतजार करती रही हूँ यहाँ पर, और वो, मैं तो उसका इंतजार कर रही थी कि आके मुझे प्रपोज करेगा और शादी करेगा मुझसे, मगर उसके सारे वादे झूठे के झूठे थे। बेवकूफ थी मैं, बिला वजह उसका इंतजार कर रही थी। सारे मर्द भाड़ में जाए, नफरत है मुझे सबसे। तुम खुल के रो सकते हो। अल्लाह उसे गारत करे, यही बद्दुआ है मेरी। <laughs>
जब तुम्हारा मुंह लटका होता है तब तुम्हारी दाढ़ी और नाक मजीद बड़े लगते हैं। स्पीच की तैयारी कर ली है मैंने। कल जो भी हुआ तुम्हारे साथ, इस स्पीच के बाद वो सब कुछ भूल जाएंगे। इस पे तुम्हारी तारीफ तो बनती है, तुम मेरे लिए खुद को इतना हलकान क्यों कर रही हो हांदे? तुम ये डिजर्व करते हो। बेहतर होगा कबूल कर ले, अब कोई चांस नहीं है। इतनी आसानी से हार मानने वाले इंसान कब से बन गए हो? वैसे सरकान कहाँ है, आया नहीं? वो हमेशा देर कर देता है। आजकल कुछ ज्यादा नखरे नहीं हो गए उसके? हो सकता है जेलस हो रहा हो वो तुमसे। सरकान, मुझे नहीं लगता। बहुत शुक्रिया दोस्त। सरकान आइलैंड, सोना तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हें पता है ना यहाँ पे प्रेस वाले मौजूद हैं। क्या तुम तो मेरा एक काम कर सकते हो सरकान? कोई डराने वाली बात तो नहीं? हमारे पहले उम्मीदवार मायरा ग्लासेस के बोर्ड चेयरमैन निजात यिलमाज के बारे में जानने के लिए मैं दावत दूंगा। मेरा नाम आने वाला है, गुड लक नहीं कहोगे? तुम्हारा शुक्रिया। मायरा ग्लासेस के एक और पार्टनर। माफ करना, मुझे ये करना पड़ा। क्या? सरकान दमीर साहब को। आप सबको मेरा सलाम। मेरे प्यारे साथियों, मैं हमारे बोर्ड चेयरमैन निजात यिलमाज के बारे में आप सब से चंद जुमले कहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम कितने जहीन और मेहनती हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को इन सब लोगों के सामने खुद को सुपर हीरो के तौर पर देखने लगो। अगर आज निजात को अवार्ड नहीं मिला तो इसकी वजह मैं हूं। इसने आपसे झूठ बोला था, इसने अपनी बीवी के साथ खुशगवार खानदान की मंजरकशी की, ये बिल्कुल सच नहीं है। लेकिन ये जो कुछ भी इसने किया हमारी बेटी मायरा के लिए किया। आपने सही सुना, हमारी बेटी मायरा। क्योंकि ये तकरीर मैं किसी और की तरफ से पढ़ रहा हूं और ये उन्हीं के लिखे हुए अल्फाज हैं। ये आइलिन निजात की बीवी के अल्फाज हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उन्हीं के अल्फाज में तकरीर जारी रखूं। मैं चली गई थी कहीं दूर। निजात ने मेरे बगैर अपने करियर में आगे बढ़ने के साथ साथ हमारी बेटी मायरा की बहुत अच्छी परवरिश की। मेरी गैर मौजूदगी का मायरा को एहसास भी नहीं होने दिया। मुझे पता है कि खानदान आपके लिए कितना अहम है। निजात और मायरा अच्छा खानदान है और मैं निजात से माफी की मकरूज हूं। सच कहूं निजात एक मौजज़ा है। मैं चाहती हूं कि आप उसके करियर के साथ साथ उसके बड़े दिल को भी देखें। मैं नहीं जानती कि एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए क्या चाहिए होता है, लेकिन यह तय है कि वो दुनिया का सबसे अच्छा बाप है। मैं उम्मीद करती हूं कि यह मौजज़ा आपको भी अपना गर्वीदा कर लेगा। निजात की बीवी आइलिन। एक्सक्यूज मी, क्या आप टैक्सी बुला देंगे? एक टैक्सी भेजिएगा। सोना, माफी चाहती हूं मैं, मैंने फिर से हद पार कर दी, खुद को रोक नहीं पाई और यहां चली आई। ये मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन स्पीच थी। तुम यहां मेरे पीछे क्यों चले आए? तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि कौन जीता? तुम्हें किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है निजात।
तुम और माहिरा कवर पर बहुत अच्छे लगोगे। मुबारक हो इस साल के सबसे कामयाब नौजवान बिजनेसमैन। ये ऐलान तब हुआ जब तुम बाहर थे। जाओ और अपना अवार्ड लो। हांदे कहाँ है? वो तुम्हारे पीछे चली गई थी। खैर वो मेरी परेशानियां। तुमने आयलन के कहने पर ऐसा क्यों किया? आयलन इसकी बिल्कुल हकदार नहीं थी। हाँ लेकिन सोना इसकी हकदार है। निजात साहब अपनी फैमिली के साथ बहुत खूब। मैगजीन के कवर पेज पर यही तस्वीर होनी चाहिए। अम्मी मैंने सारा प्लान कर लिया है। 2 दिन के लिए आप मैं बाबा घूमने जा रहे हैं। प्लान करने की क्या जरूरत है माहिरा? तुम इतना घूमती तो रहती हो अपने बाबा के साथ। नहीं काफी अरसे से हम बाहर नहीं गए। बाबा इतने मसरूफ जो रहते हैं। अच्छा वह क्या वापस आ गई है? बाबा भी बहुत खुश है आपके वापस आने के बाद। अब उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है। अरे अब ऐसा भी कुछ नहीं है मेरी जान। इधर आओ जरा, बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। मत करे। मेरी शरारती बिल्ली। हाँ आपकी हनी बी हूँ मैं अम्मी। जब तुम इस तरह से हंसती हो तो शरारती बिल्ली लगती हो। चलो ये बंद करने में मेरी मदद करो। ये बंद क्यों नहीं हो रहा? ये तो बंद ही नहीं हो रहा। शायद हमें इसे यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। नहीं मैं डोडो के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा दिखाओ जरा मुझे। सही कह रही हो, इसके बगैर मजा नहीं आएगा। ऐसा करते हैं हम कुछ और निकाल देते हैं। ये हाँ, निकाल देते हैं ठीक है। वाह भाई जबरदस्त, जैकेट निकाल के डोडो को रख लिया। वैसे आइलैंड साहिबा क्या आप माहिरा की हम उम्र है? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि जंगल में रात के वक्त काफी ठंड होगी? बिल्कुल मालूम है, इसीलिए हमने 3 में से सिर्फ 1 जैकेट निकाल दी है। अगर 2 दिन की छुट्टी के लिए तुम 3 दिन का सामान रखोगी तो ये सूटकेस कभी बंद नहीं होगा। हम छुट्टियों पर घूमने जा रहे हैं, वहां रुकने नहीं। हम भी छुट्टियों पर ही जा रहे हैं, मेरी तरफ देखकर बात क्यों नहीं कर रहे? क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी आंखों में आंखें डालकर बात क्यों नहीं कर रहे? हाँ ठीक है ऐसे। हाँ आप हमारे मामलात में दखल मत दें बाबा, और ना ही अम्मी को गुस्सा दिलाएं। जाकर अपना सूटकेस पैक करें। वाह मेरी गुड़िया वाह, देखो कैसे कमर पर हाथ बांधे खड़ी है। एक कमती जवाब देने के लिए क्या? माहिरा सही कह रही है, आपका बैग तैयार हो गया निजात साहब। शायद सारकान है, तुम अपनी पैकिंग पूरी करो, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। ठीक है ठीक है। चलो इसे बंद करें। अब इसे बंद करते हैं। अब ये आराम से बंद हो जाएगा। क्या हो गया काम? हाँ तैयार हो गया है, बस आप देख लें एक दफा। अच्छा लग रहा है। इस मैगजीन की एक कॉपी निजात साहब के ऑफिस भेज दो अप्रूवल के लिए। ठीक है मैम। लगता है तुम्हारी खानदानी रिवायत है कि जब कहीं जाओ तो सब कुछ अपने साथ ले जाओ। अगर आपा साथ होती तो 2-3 सूटकेस और होते। आप अकेले यहाँ क्या करेंगे? पहले दिन तो बच्चों की तरह अपनी नींद पूरी करूंगा और फिर दूसरे दिन यकीनन खामोशी से एंजॉय करूंगा। चाहे तो आपा को बुला लीजिएगा, आपकी तो काफी अच्छी दोस्ती हो गई है उनसे। हाँ नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा कभी नहीं लगा मुझे। मैं अपने जहन को आराम दूंगा, ये बेहतर रहेगा। ठीक है आपकी मर्जी। उफ अम्मी, बाबा तो अब जाकर अपना सूटकेस पैक कर रहे हैं। अच्छा अगर हमने ऐसा किया होता तो तूफान खड़ा कर देते। इधर आओ जरा मैं तुम्हें ये क्रीम लगा दूं, वरना तुम जानती हो ना कि चेहरा जल जाएगा। सारकान अंकल। मेरी जान तो तुम अपने बाबा को हॉलिडे पे लेके जा रही हो, लाए मुझे। बहुत खूब। जी अम्मी भी हमारे साथ आ रही है। वाकई आलिन वो तकरीर बहुत ही शानदार थी।
और वो आपने अच्छी तरह पढ़ी थी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सारकान साहब, क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ हाँ जरूर। हम छुट्टियों पर जा रहे हैं या बिजनेस मीटिंग में? मुझे वहाँ से कुछ काम करना पड़ेगा। छुट्टियों पर इंसान थोड़ा सुकून हासिल करने के लिए जाता है, ना कि काम करने। वापस आते एक प्रेजेंटेशन है, खुशी से नहीं कर रहा मैं ये। उफ, चले ना बाबा, शाम होने वाली है। ठीक है अंकल, आपकी बहुत याद आएगी। अच्छा वाकई? इधर देखो, जब तुम वापस आ जाओ तो मुझे तंग मत करना, ठीक है? वो वादा नहीं कर सकती हूँ मैं। धोखे पास शरारती बच्ची, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। चलो गाड़ी में बैठो। चलो आ जाओ, अपना ख्याल रखिएगा हैरी। तुम लोग भी अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। सारकान, मेरा फोन ऑन रहेगा, जब चाहो तुम कॉल कर सकते हो। अब चले भी जाओ मेरे भाई। सीट बेल्ट लगाओ बेटा। जी लगा रही हूँ। ध्यान से जाना हैरी, गाड़ी एहतियात से चलाना, ठीक है? अम्मी, बाबा को ये नहीं लगाया? हाँ सही कहा, एक मिनट। क्या कर रही हो? ये क्रीम अपने चेहरे पर लगा लो, इससे चेहरा नहीं जलेगा। अरे नहीं, रुको तो एक मिनट। आयलन, रुको, छोड़ो। अरे मैं ऐसी चीजें पसंद नहीं करता। हिलो नहीं, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाए? रुको। अरे बस भी करो, बहुत हो गया।